O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Fica um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. Friends, welcome to Rocker's Technical World. आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वाटर फॉर मॉडल, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है वाटरफॉल मॉडल के बारे में। तो चलिए देखते हैं वाटरफॉल मॉडल होता क्या है। द वाटरफॉल मॉडल वॉज द फर्स्ट मॉडल ऑफ SDLC, मतलब वाटरफॉल मॉडल जो था वो सबसे पहला मॉडल था SDLC का। SDLC का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मतलब अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो उसको किस साइकिल में डेवलप करेंगे, मतलब उसका क्राइटेरिया क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप क्राइटेरिया क्या होगा, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर बहुत सारे मॉडल्स आते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो जो सबसे पहला मॉडल था SDLC का वो था वाटरफॉल मॉडल। तो चलिए दूसरा लाइन देखते हैं। दिस मॉडल इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज, मतलब ये जो मॉडल है ये बहुत सिंपल है और इसको इजिली समझा जा सकता है और इजिली यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन है, इन ए वाटरफॉल मॉडल इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस, मतलब जो हमारे SDLC का वाटरफॉल मॉडल है उसके अंदर जो है अनेक प्रकार का फेज होते हैं। फेजेस का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर, और उस प्रोसेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक हम लोग जान लेते हैं, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। इच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन बिगिन, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी फेज हैं सबसे पहले कंप्लीट करना है हमारे फेजेस को, मतलब जैसे फर्स्ट फेज है, सेकेंड फेजेज है, थर्ड फेजेज है, तो जब तक मेरा फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम सेकेंड फेज की ओर नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब जब तक हम फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं होगा पहले हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर हम सेकेंड फेज की ओर जा सकते हैं, और सेकेंड फेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम थर्ड फेज की ओर जा सकते हैं। तो इसी का मतलब हुआ इच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन बिगिन। उसके बाद है, इन वाटरफॉल मॉडल द होल प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इंटू पार्टिकुलर फेजेस, मतलब वाटरफॉल मॉडल में जो है इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो साइकिल होता है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो प्रोसेसेस होते हैं वो हर एक प्रोसेस हर एक फेजेस में कन्वर्टेड रहते हैं हमारे, मतलब जैसे डिजाइन करना है तो उसका फेज अलग है, कोडिंग करना है तो उसका फेज अलग है, प्लानिंग करना है तो उसका फेज अलग है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है तो उसका फेज अलग है। इसका मतलब यही है हुआ कि जो वाटरफॉल मॉडल है उसके अंदर जो जितना भी प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वो सारे हर एक फेजेज में डिवाइडेड होते हैं। उसके बाद है, द रिजल्ट्स ऑफ वन फेज एक्ट्स एज द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फेज सिक्वेंशियली, मतलब जब तक हमारा एक फेज का रिजल्ट्स नहीं आ जाता तब तक हम अपने नेक्स्ट फेज की ओर नहीं जा सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात, जो हमारा फर्स्ट फेज होता है वो हमारा एक इनपुट का काम करता है, किसके लिए, नेक्स्ट फेज के लिए। जैसे मैंने फेज वन में काम कर लिया हमने, जैसे मेरा एनालिसिस का काम हो गया, सॉफ्टवेयर की एनालिसिस का काम हो गया, अब जो है वो जो एनालिसिस का काम हमने किया है वो चीज और उस फेज का काम नेक्स्ट फेज में इम्प्लीमेंट होगा। इस चीज के लिए हम आपको डायग्राम से हम समझाएंगे किस हिसाब से ये फेज हर एक फेज एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इट मीन्स एनी फेज इन द डेवलपमेंट प्रोसेस begins only if the previous phase is completed, वही लाइन है, मतलब जब तक हमारा previous phase, मतलब पहले का phase complete नहीं होगा तब तक हम दूसरी phase की ओर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद है, the waterfall model is a sequential design process cycle in which progress is seen as flowing downwards, मतलब जो हमारा waterfall model है इसका जो design होता है वो sequential ही होता है, मतलब order by order होता है, और इस साइकिल के अंदर जो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जितने भी फेजेस होते हैं वो एक वाटरफॉल, जैसे हमने रियल लाइफ में हम वाटरफॉल देखते हैं उसी तरह का इसका डायग्राम बनता है, उसी के तरह इस चीज का फेज बना हुआ रहता है। और इस फेजेस के अंदर जो हमारे डिफरेंट फेजेस हैं उसका जो नाम है, सबसे पहला चीज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा है सिस्टम डिजाइन, तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन, चौथा है सिस्टम टेस्टिंग, पांचवा है सिस्टम डेवलपमेंट, और छठा है सिस्टम मेंटेनेंस। ये सारे जो है हमारे फेजेज हैं किसके, वाटरफॉल मॉडल के, जो किसके अंतर्गत आता है, हमारे
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आता है। उसके बाद है वाटरफॉल मॉडल इज ऑल्सो रेफर्ड एज टू एज ए लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल को हम लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी कहते हैं। चलिए हम इसको अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इसके अंदर है क्या, किस हिसाब से ये वर्क करता है। हाँ, हमारा वाटरफॉल मॉडल का डायग्राम देखिए। सबसे पहले क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा है सिस्टम डिजाइन, तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन, चौथा है सिस्टम टेस्टिंग, पांचवा है सिस्टम डिप्लॉयमेंट, छठा है सिस्टम मेंटेनेंस। मतलब जो हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है वो फर्स्ट फेज में आता है, और सेकेंड फेज में आता है सिस्टम डिजाइन, थर्ड फेज में आता है इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ फेज में आता है सिस्टम टेस्टिंग, फिफ्थ फेज में आता है सिस्टम डिप्लॉयमेंट, और सिक्स्थ फेज में आता है सिस्टम मेंटेनेंस। ये हमारा सबसे लास्ट फेज है। इसका मतलब जब कोई भी हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है वाटरफॉल मॉडल के द्वारा, इस मॉडल को यूज करके, तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे, फिर एनालिसिस करने के बाद हम डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के बाद फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद हम फिर टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद फिर हम उसको डिप्लॉयमेंट करेंगे, उसके बाद हम उसका मेंटेनेंस करेंगे। तो ये हर एक फेजेस के बारे में हम आपको बताते हैं, डिस्कस करते हैं इस चीज के बारे में कि हर एक फेज, जो भी हमारा छह फेजेज हैं इसके अंदर, ये सारे फेजेज का काम क्या होता है, हर एक 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 फेजेज के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हर एक फेज, डिस्कस करते हैं हमारे जितने भी फेजेज हैं वाटरफॉल मॉडल के, हर एक फेजेस के बारे में। तो सबसे पहला फेज था हमारा रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। इन दिस फेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड आर गैदर्ड फ्रॉम क्लाइंट। मतलब इस फेज में होता क्या है एक्चुअली, कि जैसे किसी भी कस्टमर, जैसे हम कस्टमर है, हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे मुझे डेटा मेंटेन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर चाहिए ताकि हम उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज कर सके और हम अपने बिजनेस में या किसी भी चीज में हम उसको, उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से हम यूज कर सके। तो जैसे हम, मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें हमें डाटा को मेंटेन करने का हर एक फीचर्स होना चाहिए उसमें, हमें उस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हम लोग जाते हैं किसके पास, सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाते हैं, और सॉफ्टवेयर कंपनी वाले को हम बताते हैं कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर ये सारे फीचर्स होना चाहिए, हर एक टाइप के डेटा को मेंटेन कर सके, हमारे हर एक टाइप के डेटा को अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सके। तो ये सारे चीज जो है, जो सॉफ्टवेयर खरीदने वाला है वो क्लाइंट है। मतलब हमें सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं क्लाइंट हूँ, और जिससे मैं सॉफ्टवेयर लूंगा वो एक डेवलपर है। तो हम अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को, जो भी हमें सॉफ्टवेयर बनवाना है उस सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट्स को हम बताएंगे किसको, सॉफ्टवेयर डेवलपर को, मतलब जो कंपनी में काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो इसी को कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी वाले जो होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, वो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं कि आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए और उस सॉफ्टवेयर में किस किस तरह का फीचर्स चाहिए आपको। तो ये था हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसके बाद होता है हमारा जो सेकेंड फेजेज है, एनालाइज करने के बाद डिजाइनिंग फेज होता है, मतलब सिस्टम डिजाइन। ये हमारा दूसरा फेज है वाटरफॉल मॉडल का। इसमें क्या होता है, प्लानिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल जावा, पीएचपी, ईटीसी एंड डेटाबेस लाइक ओरेकल, माइएसक्यूएल, ईटीसी एंड अदर हाई लेवल टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स। मतलब जब हमने ले लिया हर एक तरह का रिक्वायरमेंट्स जो क्लाइंट्स को चाहिए था, हमने उसको लिख लिया कि हमारे क्लाइंट्स को किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए और उसमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, तो इस चीज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करेगा, उसको प्लानिंग करेगा। प्लानिंग करेगा मतलब इसको किस लैंग्वेज पे बनाया जाए, जावा पे बनाया जाए या पीएचपी पे बनाया जाए, उसके बाद इसमें किस तरह का डेटाबेस यूज करें, ओरेकल का डेटाबेस यूज करें, MySQL यूज करें, तो उसमें ये डेटाबेस ऐड करने का ये सारा प्रोसेस चलता है। उसके बाद और सारे जितने भी टेक्निकल डिटेल्स है, मतलब जितने भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए उस सॉफ्टवेयर में, जितने भी टेक्निकल फीचर्स चाहिए उस सॉफ्टवेयर के अंदर में, ये सारे चीज उसमें इंक्लूड किया जाता है कि इस सॉफ्टवेयर को, जो क्लाइंट है उसका जो सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है, इस चीज को बनाने के लिए हमें किस किस चीज का जरूरत है, मतलब कौन सारे, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स का जरूरत है, तो वो सिस्टम डिजाइन के अंदर आता है। इसमें ये डिसाइड करता है कि हम इस क्लाइंट के सॉफ्टवेयर को किस लैंग्वेज पे बनाया जाए, किस तरह का डेटाबेस यूज करें और किस तरह का इसमें टेक्निकल जो है सो फीचर्स वगैरह ऐड करें इसके अंदर। जब डिजाइनिंग फेज हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज आता है। इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या होता है
कि जब हमने सॉफ्टवेयर का डिजाइन कर लिया, तो डिजाइन करने के बाद वो सारे जो इंटरफेस हमारे पास आए हैं उस इंटरफेस को वर्किंग में लाना, मतलब हमने उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स ऐड किए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बटन ऐड किए हैं, तो वो सारा बटन काम करे। तो ये सारे चीज को जो हमारा इंटरफेस है उसको वर्क करवाने के लिए हमें किस चीज का जरूरत पड़ता है बाद में, वो है हमारा कोडिंग फेज, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं या कोडिंग फेज भी कह सकते हैं। तो हमारा कोडिंग जो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे आप कोडिंग फेज भी लिख सकते हो। तो इस फेज में क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के अंदर हम कोडिंग करते हैं, मतलब उसके अंदर हम सोर्स कोड डालते हैं, उसके बाद जो है जितने भी फीचर्स वगैरह डाले हुए हर एक के अंदर हम उसके अंदर कोडिंग करते हैं। तो ये रहा हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज या कोडिंग फेज। जब हमने एनालाइज भी कर लिया, उस एनालाइज करने के बाद हम सॉफ्टवेयर का डिजाइन भी बना लिया हमने, उसके बाद उसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट मतलब इसके अंदर जो है हमने कोडिंग भी कर लिया, उसके बाद आता है सिस्टम टेस्टिंग, ये हमारा चौथा फेज है। सिस्टम टेस्टिंग फेज के अंदर क्या होता है कि जो जितना काम हमने ये तीन फेजेज में किया, मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, सिस्टम डिजाइन में, इम्प्लीमेंटेशन में, ये सारे फेजेज को इसमें टेस्ट किया जाता है। इसमें टेस्ट ये किया जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है या नहीं बना है। अगर बन गया है तो उसको नेक्स्ट फेज में भेज दिया जाएगा, अगर नहीं बना है तो फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में भेज दिया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन से फिर डिजाइन में जाएगा, डिजाइन से फिर एनालिसिस में जाएगा। तो हम सिस्टम से टेस्टिंग जो फेज होता है इसको हम टेस्टिंग फेज कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है, जो भी हमने सॉफ्टवेयर बना लिया, इम्प्लीमेंटेशन तक तो मेरा बन गया सॉफ्टवेयर, उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरा सॉफ्टवेयर बना है या नहीं बना है। अगर बना है तभी हम उसको दे सकते हैं अपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर, वरना नहीं दे पाएंगे, फिर से हमें सारा स्टेप्स को रिपीट करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा सिस्टम टेस्टिंग फेज। उसके बाद पांचवा जो है वो है हमारा सिस्टम डिप्लॉयमेंट फेज। सिस्टम डिप्लॉयमेंट फेज जो है हमारा ये पांचवा फेजेज है, किसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो सबसे फर्स्ट मॉडल था वो मॉडल था वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल का जो है सो पांचवा फेज है हमारा सिस्टम डिप्लॉयमेंट। इसमें क्या है, डिप्लॉय द एप्लीकेशन इन द रिस्पेक्टिव एनवायरमेंट, मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर बन गया टेस्टिंग वगैरह में भी सारा कुछ ओके हो गया, उसके बाद इसको हम यूज करते हैं। सबसे पहले कंपनी वाले जो डेवलपर होते हैं उसके अंदर जो इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उसको इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं कि हर एक बटन हर एक फीचर्स ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को वो चेक करते हैं। और सबसे उसके बाद वो क्लाइंट को तभी हैंड ओवर वो कर पाएंगे जब वो खुद देख लें कि किस हिसाब से कौन सा काम चल रहा है, कैसे किसी भी काम को परफॉर्म करना है। तो ये सारे चीज क्लाइंट को बताया जाता है कि आप इस हिसाब से इस फीचर्स को यूज करके आप ये काम कर सकते हो या वो काम कर सकते हो। तो ये सिस्टम डिप्लॉयमेंट के अंदर आता है, ये क्लाइंट को बताने के लिए आता है कि क्लाइंट को बताया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के द्वारा, कंपनीज के द्वारा, कि आपका सॉफ्टवेयर रेडी है, आप इस हिसाब से इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स को, हर एक फीचर्स को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा सिस्टम मेंटेनेंस, ये हमारा सबसे लास्ट फेज है वाटरफॉल मॉडल का। इस फेज में क्या होता है, अब देखें, व्हेन सॉफ्टवेयर आर फुल्ली डेवलप्ड लेटर यू कैन चेंज और अपग्रेड द फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने सॉफ्टवेयर हैंडओवर कर दिया अपने क्लाइंट की ओर, अब कुछ दिन बाद क्लाइंट हमें बोल रहे हैं कि हमें इसमें एक और फीचर्स ऐड करना है, इसमें एक और फीचर्स ऐड करना है सबसे पहली बात, या इसमें जो है सो इस तरह का एरर आ रहा है, कोई भी काम करने में इंटरप्ट्स आ रहे हैं। तो ये सारे चीज जो है को जो ये सारे चीज जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, ये हमारे सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर आता है। मतलब क्लाइंट ने जो पहले रिक्वायरमेंट्स बताया था उस हिसाब से उसका सॉफ्टवेयर रेडी है, उस क्लाइंट को हैंडओवर कर दिया गया सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्लाइंट आगे जाके वो उस सॉफ्टवेयर में चाहते हैं कि हम जो है सो इसके अंदर और फीचर्स डलवा सकें, मतलब किसी और फीचर्स का हमें काम है, तो वो फिर से उस कंपनी के पास जाके उस सॉफ्टवेयर का के बारे में डिस्कस करके वो बोल सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में हमें एक और फीचर्स ऐड करना है। तो ये आता है हमारा सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर। तो इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर किया जा सकता है इस फेज के अंदर। दूसरा बात, सॉफ्टवेयर में जितने भी बग्स आ रहे हैं या किसी भी तरह का एरर आ रहा है उसको सही किया जा सकता है।
तो ये सारे जो अभी हमने 6 फेजेस पर हैं, ये सारे वाटरफॉल मॉडल्स के हैं। और ये जितने भी फेजेस हैं, ये सारे फेजेस को यूज किया गया था वाटरफॉल मॉडल में। और वाटरफॉल मॉडल जो था वो सबसे पहला मॉडल था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, मतलब SDLC, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो मॉडल्स बनाए गए, प्रोसेसेस बनाए गए, क्राइटेरिया बनाए गए, उसका सबसे पहला जो मॉडल बनाया गया था वो यही था। और इन्हीं 6 फेजेस पे ये काम करता था, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता था। और अभी भी इस मॉडल्स का यूज करते हैं बहुत सारे कंपनीज वाले, ताकि इजिली हर एक चीज को वो समझ सके, क्लाइंट को भी समझा सके और इजिली उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे सके। तो ऐसा करते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा वाटरफॉल मॉडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग रॉकर्स टेक्निकल वर्ल्ड।